अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, फूड टेम्पटेशंस में आपको खुशामदीद। आज मैं फूड टेम्पटेशंस में लेके आई हूँ केपीके की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है दम पोख्त। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है मटन, 1.5 किलो के करीब है, दरमियाने साइज़ की मैंने इसकी बोटियाँ करवा ली थी। इसके साथ यहाँ पर चर्बी ली है, ये 1/2 किलो के करीब है। आलू इसमें स्किन के साथ मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद। यहाँ पर मैंने लिए हैं टमाटर, ये 8 अदद टमाटर हैं जिनको दरमियान से 2 हिस्सों में काट लिया था। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, 8 से 9 जवे हैं जिनको मैंने दरमियान से 2 कर लिया है। और दरमियानी साइज़ का मैंने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे जो कि 7 से 8 है। हसब ज़रूरत मैंने आटा लिया है गूंदा हुआ। लेमन जूस है मेरे पास, 4 से 5 लेमन लिए हैं जिनका मैंने रस निकाल के रख लिया था। यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे जो कि 1.5 खाने का चम्मच है। नमक इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए थी जिनको दरमियान से काट के 4 हिस्सों में काट के रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने पानी लिया है 1 कप के करीब। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो नमक है इसके ऊपर हमने डाल देना है और इसको मिक्स कर लेंगे हम। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी लेयर्स लगा देंगे। नमक ऐड करके हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। नमक हमने इसलिए इसमें पहले ऐड किया ताकि गोश्त अंदर तक नमकीन हो जाए और अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाए। हमने एक पतीला ले लिया है, अब सबसे पहले हमने चर्बी की लेयर देनी है इस पे। इस तरह से हम चर्बी की जो लेयर है वो लगा देंगे। फिर इसके बाद हमने जो हमारे पास मटन है उसकी लेयर देनी है। इस तरह से मटन के बाद हमने इसमें लेयर देनी है आलूओं की। इस तरह से हमने इसमें आलू शामिल कर दिए जिनको मैंने 2-2 करके काट लिया था। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटर। आठ अदद मैंने टमाटर लिए थे जिनको 2 कर लिया हुआ है। इसके बाद हरी मिर्चें साबुत। प्याज। लहसुन। और अदरक।
लेमन जूस, काली मिर्च, और तकरीबन एक कप पानी। अब हम इसे बंद कर देंगे हसबे ज़रूरत आटा लगाकर साइडों से। इस तरह से हम आटा लगा देंगे साइडों पे। इस तरह से हमने इस पे आटा लगा देना है, और आटा हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये अच्छी तरह से इसकी स्टीम बनी रहे और स्टीम बाहर ना आए। इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया आटे से। अब हम इसके ऊपर इसका ढक्कन देंगे और इसको 3 घंटों तक हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। इस तरह से हमने आटा लगा के इसको बंद कर दिया और अभी इसके ऊपर हम वेट रख देते हैं। और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने 3 घंटे के लिए छोड़ देना पकने के लिए। तीन घंटे हो चुके हैं व्यूवर्स, मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। अब हम इसको ओपन करेंगे। खोलते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। हल्का सा मिक्स कर दिया मैंने, अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। तो जी व्यूवर्स, आज की हमारी रेसिपी दम पुख्त बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे हम अपनी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।